हर त्योहार को मनाने के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। ठीक उसी प्रकार भाई दूज भी खासकर भाई बहन के अटूट बंधन को बनाए रखने के लिए मनाया जाता है। इस दिन लोग यमलोक के देवता साक्षात यमराज की पूजा भी करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यह पूजा करने से व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती। कुछ लोग तो इस दिन भगवान चित्रगुप्त की भी पूजा करते हैं, जो यमलोक में लेखा जोखा का काम करते हैं। भाई दूज त्योहार क्या है, कब और क्यों मनाया जाता है, जरा इसको समझते हैं। यह त्योहार ज्यादातर सुहागन बहनें मनाती हैं, क्योंकि कुंवारी बहनें तो रोज अपने भाई को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती हैं। उस दिन बहन अपने भाई को अपने घर पर बुलाती है तथा उसका आदर के साथ स्वागत एवं अभिनंदन करती है। फिर गद्दी या आसन पर बिठाकर उसके हाथ पैर मुंह आदि धुलाती है। यह करने के बाद भाई बहन की आरती करती है और माथे पर तिलक लगाती है। इसके बाद आंखें बंद कर मौन होकर अपने भाई के लिए भगवान से ये दुआ करती है कि हे भगवान, मेरे भाई की उम्र लंबी हो, उन्हें किसी की नजर ना लगे और वो अपना पूरा जीवन खुशहाली से जिए, यही मेरी इच्छा है। दुआ करके अपने भाई की कलाई में धागा बांधकर अपने भाई का आशीर्वाद लेती है और भाई अपने बहन को हमेशा खुश रहो ऐसा कहकर आशीर्वाद देता है और तोहफे में अनाज वस्त्र आदि वस्तुएं भी देता है। अंत में बहन द्वारा अपने भाई को भोजन कराया जाता है, जिसमें मिठाई, दाल भाटी चूरमा, लड्डू, मेवे आदि जो भी घर पर हो वो खिलाया जाता है। इस त्योहार को बिल्कुल रक्षाबंधन की तरह ही मनाया जाता है, इसलिए इसे दूसरा रक्षाबंधन भी कहा जाता है। भाई बहन के लिए यह त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन यमराज को उनकी बहन यमुना ने भोजन कराया था। मान्यता है कि जो भाई अपने बहन के यहाँ भोजन करता है उसे धन की भी प्राप्ति होती है, इसलिए प्रतिवर्ष इस त्योहार को भाई और बहन मनाते हैं। भाई दूज मनाने की कथा भी है। जी हाँ, यमराज और यमुना दोनों भाई बहन थे, जो सूर्यदेव के पुत्र और पुत्री थे। यमराज यमलोक रहते थे। जब देवी यमुना का विवाह हुआ तब वो अपने ससुराल रहती थी। जब भी मन करता वो अपने भाई से मिलने यमलोक आती जाती रहती। वो जब भी आती वो यमराज को अपने घर बुलाने का आग्रह करती, लेकिन यमराज को अपने काम काज से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती और किसी कारणों की वजह से वो बहन के यहाँ नहीं जा पाते। इसके बावजूद भी यमुना उन्हें बार बार आग्रह करती रहती। एक दिन यमुना ने यमराज को आने के लिए मजबूर कर वचन में बांध दिया। यमराज ने यह निश्चय कर लिया था कि चाहे जो भी परिस्थिति हो, लेकिन अब की बार वो अपनी बहन के यहाँ जाकर ही रहेंगे। तुरंत ही वो अपनी बहन के यहाँ गए। बहन ने उनका निष्ठापूर्वक स्वागत किया और नहला धुला कर भोजन कराया। तब यमराज ने कहा था कि आज के इस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकता और आज मैं बहुत खुश हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी जो भी इच्छा हो वो मैं पूरा करूँगा। तब यमुना ने बस इतना कहा कि मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, मेरी यही इच्छा है कि आप ऐसे ही हर वर्ष बहन के यहाँ आते रहिए। यमराज ने तथास्तु कहा और कुछ समय बाद वापस यमलोक लौट आए। तो दोस्तों, इसी तरह इस दिन को प्रत्येक वर्ष हम भाई दूज के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। यह कथा पौराणिक तथ्यों पर आधारित है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के तमाम रोचक और अनसुनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को टैग कर दें, ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे।